Good morning, children. Today we are going to read The Talkative Barber. It is Unit 6, Chapter 12 of Class 5. English, Mary Good. Barber. Barber means a person whose job is to cut hair or to shave. तो barber जो होता है उसे हिंदी में नाई कहते हैं या हजामत बनाने वाला. तो talkative यानी कि बहुत बातें करता है. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, क्लासरूम डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि जो बच्ची थी वो बहुत ही शाई नेचर की थी, यानी कि वो बोलती नहीं थी. और यहाँ पे उसका अपोजिट है, जो बार बार है बहुत ही talkative है, यानी कि बहुत बातें करने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट. इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. काशगर एक सिटी है जिसमें एक बार्बर रहता था जो कि बहुत ही बातें करता था. वंस अ सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक दिन सुल्तान ने उसको बुलाया. क्या, क्यों बुलाया? शेव हिज हेड, अपने हेड को शेव करने के लिए बुलाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. बार्बर जो है वो शेविंग करने के बजाय बातें करते जा रहा था. द सुल्तान गॉट एंग्री, सुल्तान बहुत नाराज हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान ने कहा कि तुम कब बोलना बंद करोगे, अपना काम कब शुरू करोगे? The barber replied, "You do me an injury by calling me a chatter." बार्बर ने कहा, तुमने मुझे चैटर बोल के, चैटर मैंने बातें करने वाला बोल के, क्या किया, मुझे चोट पहुंचाई है. For everyone says I am very quiet. सभी तो कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ. I have six brother whom you might call chatters. अब उसने कहा मेरे छह भाई हैं, उसे तुम चैटर बोल सकते हो. Their name are बगबन, बगबरी, बगबग, उलकुश, उलनाशी, शकाबक. तो उनके नाम बताए गए हैं. वन इज़ हम्बैक, वन इज टूथलेस, वन इज़ हाफ ब्लाइंड, वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, वन इज डीफ and the other has a defect in the speech and they all are great talkers. अब वो कह रहा है एक जो हम्बैक, एक के कोबड़े निकले हैं और एक टूथलेस, एक के दांत नहीं है, एक हाफ ब्लाइंड है और एक क्वाइट ब्लाइंड है, एक डीफ बहरा है और एक जो है उसे स्पीच में नहीं, बोलने में क्या है परेशानी होती है, लेकिन ये सब जो है बहुत ही टॉकर्स हैं, बहुत बातें करते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली में क्या हूँ, सबसे छोटा हूँ. Give him three pieces of gold, the Sultan cried. सुल्तान ने कहा इसे तीन जो है गोल्ड के पीस दे दो. Losing all patience and send him away. सुल्तान का धैर्य जो होता है खो गया. उसने कहा इसे वापस भेजो. I will not be shaved today. आज मैं शेव नहीं करूँगा. My master cried the barber. It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. अब उसने कहा मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव यू. तो इसलिए मैं तुम्हारा घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी सेविंग न कर दूँ, तुम्हारा हेड को शेव न कर दूँ. ही देन बिगेन नैरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर. उसने एक और स्टोरी सुना दी जो कि आधे घंटे तक चली. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. उसने कहा अपनी फालतू बात बंद करो, मुझे जल्दी जाना है. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नोट, सेड द सुल्तान. सुल्तान ने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे दोपहर को जाना है. व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विद हिम द बार्बर सेड, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. जब उसने देखा सुल्तान वाकई में गुस्सा हो गया तो उसने कहा ओ मास्टर अब नाराज मत होइए, और ऐसा कहते हुए उसने शेविंग करनी स्टार्ट कर दी. तो उसने सुल्तान का सर धोया और अब उसने शेविंग शुरू करी है. But he had not touched him even four times with the razor. उसने चार बार रेजर छुआ लेकिन सुल्तान के हेड को टच नहीं किया. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो मुझे जल्दी, hastily मना जल्द जाना है, तो ये मुझे लग रहा है आप act करो, यानी कि आप बहाने बना रहे हो. Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. सुल्तान ने उसे order किया कि अपनी shaving, मतलब shaving करो, shaving को जारी रखो और ज़्यादा बातें मत करो. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do.
आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माय ओपिनियन ऑन इट। अब उसने कहा धैर्य बनाए रखिए, बी पेशेंस, पेशेंस धैर्य बनाए रखिए। बार बार ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मतलब मुझे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने मुझे बताइए कि क्या मैटर है, मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंट बात है, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद करूँ। उसने कहा मैं अपने ओपिनियन में अपने विचार इस पर रखूँगा, हो सकता है आपको कोई मदद मिले। फिनिश सेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, अब सुल्तान जो है वो जोर से चिल्लाया, एक्सक्लेम मैंने हुआ लाउडली, ठीक है, जोर से, से अलाउड बोलते हैं, जोर से चिल्लाया सुल्तान ने कहा फिनिश सेविंग एट वंस। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बारबर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। बट ऐसा करने के बजाय सुल्तान का उसने क्या किया, जो बारबर था उसने उसकी आधी शेव करी थी, वो आधी शेव करके उसने आधी शेव छोड़ दिया और वो देखने चला गया कि कितना टाइम हुआ है। माय पेशेंस इज एग्जॉटेड द सुल्तान क्राइड, अब सुल्तान ने कहा मेरा पेशेंस जो एग्जॉटेड हो गया, एग्जॉटेड मीन फेड अप, जब बहुत परेशान हो जाते ना तो कहते हैं आई एम फेड अप, तो यानी कि बहुत थका हुआ, तो सुल्तान ने कहा मेरा पेशेंस जो है वो अब जो है फेड अप, यानी कि अब वो जवाब दे गया है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव इन अ मोमेंट सेड द बारबर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान। अब उसने सुल्तान से कहा कि आप शांति बनाए रखिए, मैं आपका सेविंग कर देता हूँ, ऐसा कहते हुए वो लगातार सेविंग करने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन ऐसा करते हुए उसने बातें बंद मतलब चुप नहीं हुआ, बातें करते रहा। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विश यू माइट फाइंड यूजफुल ही सेट। उसने कहा अच्छा आप मुझे बताइए क्या इम्पोर्टेंट आप कह रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है अफेयर तो मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद करूँ, मेरी जो बातें वो आपके लिए यूजफुल हो। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बारबर। अब सुल्तान इतना फेड अप हो गया था उससे, उसे लगा कि मुझे इसे कुछ ना कुछ बोल के सेटिस्फाई करना है। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। अब उसने कहा मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है फीस्ट में, फीस्ट दावत में, तो इसलिए मुझे जल्दी है। When the barber heard the Sultan mention feast, he exclaimed. अब barber ने जब सुना तो exclaim, अब वो चिल्लाया. That reminds me yesterday. अब उसने कहा yesterday I invite 4 or 5 friends to come to my house today. अरे मैंने कल अपने 4 और 5 दोस्तों को आज खाने पे बुलाया है. But I had quite forgotten it and have not made any preparation for them. उसने कहा लेकिन मैं तो भूल गया और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब सुल्तान जो था वो दयालु तो था, उस बारबर पे दया आ गई और उसने उसके लिए कुछ करने की सोची। Be quickly and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that had been prepared for me today. अब सुल्तान ने कहा आप जल्दी से काम खत्म करो और जो खाना बना हुआ है वो ले जा लो, मतलब तुम्हें मिल जाएगा। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. अब उसने कहा मुझे खाना दिखाओ जिससे मैं जज कर सकूँ कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए इनफ होगा। I have enough food for you, the Sultan exclaimed. सुल्तान चिल्लाया कि मेरे पास बहुत खाना है। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. और उसने ऑर्डर किया कि जितना खाना उसके फीस्ट के लिए बना है सब लाया जाए। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." अब वो कहने लगा हाँ ये खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। किसके लिए? डेजर्ट, डेजर्ट मैंने खाने के बाद जो खाते हैं मील मीठा खाते हैं ना, तो उसके लिए उसने कहा मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, अब सुल्तान जो वो इतना उसकी बातों से इतना डेस्परेट मतलब उसकी बातों से इतना थक गया था, वो इतनी बैड फीलिंग कर रहा था, डेस्परेट कर मतलब वो फीलिंग एक बैड फीलिंग होती है, बहुत दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आधी शेव की थी ना, सिंस ही हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उसकी हेड कितना आधी शेव हो गई थी। ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, तो उसने ऑर्डर किया आप जो फ्रूट्स हैं वो भी मंगा दिए, उसको भी लाया जाए। द बारबर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन, अब बारबर सुल्तान की सेविंग करने के बजाय वो क्या करने लगा, जो खाना था जो फीस मंगाया था सुल्तान ने जो फ्रूट्स मंगाए थे उसको एग्जामिन करने लग गया, यानी कि उसका उसको निरीक्षण करने लग गया।
तो इसमें ये स्टोरी कंप्लीट हो गई, इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। चैटर्स, चैटर मैंने वहाँ जो बहुत बोलता है, समवन हु टॉक्स अलॉट। डिफेक्ट, डिफेक्ट में डिफेक्टिव कहते हैं किसी को, जो पीस खराब निकल गया बोलते ना, तो यहाँ पे डिफेक्ट मैंने वहाँ फॉल्ट, कोई कमी। ओपिनियन, अपने विचार रखना। और एग्जॉटेड मैंने वहाँ फेडअप होना, टाइड होना, बिल्कुल थक जाना। डेजर्ट, खाने के बाद मीठा, उसको बोलते हैं डेजर्ट। एग्जामिन करना, किसी को निरीक्षण करना, केयरफुली देखना। और एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, तो ये न्यू वर्ड्स हो गए। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। फर्स्ट, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर कितने ब्रदर्स से, द बार्बर हैड सिक्स ब्रदर्स। सेकेंड है, वाई वॉज द सुल्तान इज इन अ हरी। सुल्तान क्यों था जल्दी में, द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड गो आउट एट नून टू गिव फीस्ट टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। थर्ड है, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। उसने इतना लंबा समय क्यों लिया, बिकॉज द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव, इसलिए उसने इतना समय लिया। ही टुक सो लॉन्ग टाइम टू सेव, ही वॉन्ट्स टू टॉक अलॉट। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव बिकॉज ऑफ हिज ही टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। थर्ड है, ट्रू ऑफ फॉल्स। फर्स्ट, द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान बियर्ड। क्या उसके बियर्ड दाढ़ी सेव कर रहा था, तो फॉल्स है। तो सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, यस ट्रू। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस, उसने मना कर दिया था ना जाने से, तो ये भी ट्रू है। देयर वॉज 7 ब्रदर ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान की फैमिली में क्या 7 भाई थे, तो ये फॉल्स है। तो इसमें स्टोरी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कोई अगर कोई परेशानी है, और साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय बाय।